हजरत इब्ने अब्बास को कहा गया, अली ने फरमाया भाई यार रात को तू मेरे पास आना। हजरत इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं मैं चला गया, मौला कायनात फरमाते हैं इब्ने अब्बास ये बता मत तफसीरो अलिफ मिनल हम कि जो सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा का पहला जो वर्ड है अलहम, ठीक है, अलहम का जो अलिफ है उसकी क्या तफसीर है। मैं कहा भाई मुझे नहीं मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पढ़ते हैं अल्हम्दु का पहला लफ्ज जो अलिफ है उसकी क्या तफसीर है। फरमाया नहीं मालूम। फरमाया अली रजी अल्लाह तआला ने शुरू हो गए और घंटा उस पर बात की सिर्फ अलिफ की तफसीर पर। फिर हजरत अली पूछते हैं इब्ने अब्बास से अच्छा बताओ मत तफसीर और लाम मिन अलहम, अलहम्दु का जो लाम है उसकी क्या तफसीर है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। हजरत इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं मौला कायनात ने फिर घंटा बात की सिर्फ लाम कि ये लाम क्या है। फिर पूछा खाक का क्या जो है ना तर्जुमा है खाक की क्या तफसीर है। तो मैं मुझे नहीं मालूम। फिर मौला कायनात ने खा पर बात की, फिर मीम के बारे में पूछा, फिर मीम पर बात की, फिर दाल के बारे में पूछा। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। फरमाया दाल पर बात की, दाल की तफसीर बयान की सुबह की नमाज का वक्त हो गया, सुबह की नमाज का वक्त हो गया, अभी दाल की तफसीर खत्म नहीं हुई। तो अल्लाह ताला मुझे फरमाते हैं जाओ नमाज की तैयारी करो। तो मैं चला गया नमाज की तैयारी करने और रास्ते में सोचता रहा कि यार मेरा इल्म और मौला कायनात का इल्म इसका इतना मुकाबला है कि मेरा इल्म कतरा है तो मौला कायनात का इल्म समंदर है।